हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल गाइस। ओके, सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियान के बारे में। एशियान की हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे इसमें, और इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एशियान क्या है? ये एक यू नो एब्रिवेशन है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ओके, सो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एशियान की, तो उसकी वो फुल फॉर्म जो है मैंने बता दी है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 में इन बैंकॉक, और बाय 5 ओरिजिनल मेंबर्स, ठीक है। इसके 5 ओरिजिनल मेंबर्स के थ्रू, और वो कौन कौन से थे? वो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड फिलीपींस। ओके, उसके बाद 1984 में ब्रुनाई ने ज्वाइन किया एशियान को, उसके बाद वियतनाम ने किया 1995 में, उसके बाद लाओ, म्यांमार ने 1997 और कंबोडिया ने 1999 में इस एशियान जो एसोसिएशन है इसको ज्वाइन किया। उसके बाद इट्स अ जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जियोपॉलिटिकल मतलब जितने भी ज्योग्राफिकल पोर्शंस में, नियर बाय ज्योग्राफिकल पोर्शन में जितनी भी कंट्रीज आती हैं, ये उनका पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड नाउ ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज जो हैं दैट इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशियाज में, ठीक है। और इन 10 कंट्रीज की इट्स अ जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एशियान। ओके, सो अब मेन आता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल प्रोग्रेस को और कल्चरल डेवलपमेंट को, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, इन तीनों चीज़ों को एक्सेलरेट करना, इन तीनों चीज़ों की ग्रोथ को एनहेंस करना, बढ़ाना, अलॉन्ग विद द प्रमोशन ऑफ रीजनल पीस। मतलब अपने रीजनल जो भी पीस अपने रीजन में, अपने एरिया में, पीस के साथ साथ इन तीनों चीज़ों की ग्रोथ पे वर्कआउट करना, और तीनों चीज़ों की ग्रोथ को एक्सेलरेट करना। ओके, नेक्स्ट, ओरिजिनली एशियान वॉज मीन टू बी एन एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज एंगेज्ड इन नेशनल बिल्डिंग। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिजिनली अगर हम बात करें तो एशियान जो थी वो एक एसोसिएशन बनाई गई थी ताकि वो नेशन बिल्डिंग में मतलब एंगेज कर सके। ओके, तो फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, उसके ख़त्म होने के बाद देखा गया कि इमर्जिंग ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन, ये एक एक स्वर्ण इंडिपेंडेंट नेशंस जो थे उस टाइम पे इमर्ज हुए थे आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। एंड देन उसके बाद इन्होंने ये एशियान जो यू नो एसोसिएशन है इसको बिल्डअप किया ताकि ये एक साथ मिलके, क्योंकि एक एक साथ ही ये मिलते जुलते थे, एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, तो इन्होंने एक मिलकर एक ग्रुप बनाया ताकि मतलब नेक्स्ट जो है कोई भी फॉरेन जितनी भी पावर्स हैं, बिगर पावर्स हैं, वो इंटरफेयर ना कर सके और ये फिर से कभी गुलाम ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ इमर्जिंग पावर थी, नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, तो मतलब सब कुछ बिखरा हुआ था, कोई भी चीज़ इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो वो डेवलप लाने के लिए, अपनी कंट्री को हर एक एंगल में प्रोग्रेस की तरफ ले जाने के लिए इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया, ठीक है, एक ग्रुप बना के उस पर वर्कआउट करना शुरू किया ताकि अगर कहीं पे किसी को प्रॉब्लम हो तो दूसरा बंदा उसकी हेल्प कर सके। ओके, सो इस नेक्स्ट जो है नेशन बिल्डिंग जो है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, मतलब उस पर इन्होंने वर्कआउट किया। देन इसके बाद यू नो यहाँ कहा जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक गवर्निंग जो पीपल है वो उनका फ्री हैंड हो अपनी पॉलिसीज को बनाने के लिए, ताकि बाहर से कोई भी कंट्रीज उनके ऊपर इंटरफेयरेंस ना कर सके। उसके बाद मतलब स्मॉल कंट्रीज लाइक सिंगापुर हो गया, ब्रुनाई हो गया, उनको हमेशा डर रहता था। मतलब डर किस चीज़ का रहता था कि बाहर की कंट्री जो नेबरिंग कंट्रीज है, मतलब ये उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट ना करें, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ना छोड़े। और इसीलिए एशियान वाज एस्टेब्लिश ताकि जितने भी यू नो एक सॉवरेनिटी है, एक सुप्रीम पावर जो है, वो हर एक कंट्री की जो सुप्रीम पावर है उनके हद तक रहे, कोई भी बड़ा जो नेशन है वो उनके अंदर, उनके किसी भी पॉलिसी के अंदर इंटरफेयर ना करे। ओके, तो प्राइमरी जो प्रिंसिपल है एशियान का वो है नॉन इंटरफेरेंस, मतलब कोई भी किसी के काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। एशियान जो है वो एक ओपन पार्टिसिपेशन है सभी कंट्रीज़ के लिए जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में रहते हैं, और जो मतलब इनके जितने भी एम्स, प्रिंसिपल्स और पर्पसेस जो हैं उनको विलिंगली जो सब्सक्राइब करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, तो वो ज्वाइन कर सकता है। यू नो इट्स ओपन फॉर ऑल द पार्टिसिपेशन, मतलब जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो ओपनली कर सकता है, डोंट वरी। उसके बाद एशियान का जो एम है वो ये है कि ये कलेक्टिव मतलब विल जो है कंट्रीज़ की ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, उनको उनको बाइंड अप कर सके इन फ्रेंडशिप।
तो देन उसके बाद मतलब कि ज्वाइंट एफर्ट, सभी जने ज्वाइंट एफर्ट डाल के मतलब ये इंश्योर करे कि वहाँ पे जो पीस, फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी है जो रीजन की, उसको ला सके। देन उसके कहा जाता है कि जो एशियन की जो मीटिंग है उसको एशियन समिट कहा जाता है। यहाँ पे हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है हर एक कंट्रीज़ के, वो मीट करते हैं और वो वहाँ पर अपने जितने भी रीजनल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाता है। देन उसके बाद एडिशनल जो मीटिंग्स हैं वो कंडक्ट की जाती हैं अदर कंट्रीज़ में, ठीक है, अपने ब्लॉक के बाहर, आउटसाइड द ब्लॉक, इस इंटेंशन के साथ ताकि एक्सटर्नल रिलेशन जो है अदर अदर कंट्रीज के साथ उसको प्रमोट किया जाए। सो नेक्स्ट है आपका ऑफिशियली जो सबमिट रहती है वो होती है 3 डेज एनुअली, मतलब हर सालाना 3 दिन की एक एनुअली सबमिट होती है, और जिसमें ये जितने भी इश्यूज रहते हैं ब्रशिंग इश्यूज के ऊपर उस टाइम पे बात करते हैं, ठीक है। और ये जो नेशंस हैं ये होस्ट करते हैं सबमिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल जो रहता है मीटिंग का, वो इन्वॉल्व करता है आपका इंटरनल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है, जिसमें जो मीटिंग रहती है लीडर्स की स्टेट वाइज होती है विद फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द एशियन रीजनल फॉर्म्स की, उसके बाद एशियन प्लस 3 के साथ जिनके लीडर्स जो हैं वो डायलॉग करते हैं पार्टनर के साथ, और वो कौन कौन से हैं, चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ठीक है, और देन उसके बाद एशियन सीआर के साथ जिसमें लीडर्स जो हैं वो डायलॉग करते हैं पार्टनर्स के साथ, वो कौन कौन से पार्टनर हैं, वो एशियन और न्यूजीलैंड। देन उसके बाद फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है एशियन का वो है मतलब एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बाकी जितने भी इसके मेंबर्स हैं एक उनकी उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी सुप्रीम मतलब सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। इट होल्ड द राइट ऑफ एवरी स्टेट, एवरी मेंबर स्टेट टू लीड इट्स नेशन एग्जिस्टेंस फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इंटरफेरेंसेस, ठीक है। तो इट कॉल फॉर नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ एनी, मतलब यहाँ पे क्या है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है कि नॉन इंटरफेरेंस जो है वो एक 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 मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, कि कोई भी बंदा किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो नेक्स्ट है एवर सिंस इट्स इंसेप्शन 3 डिकेड्स अगो, मतलब 3 डिकेड्स जो है वो ऑलमोस्ट यू नो गोइंग टू बी एन एंड, और इन 3 डिकेड्स में कोई भी टेंशन या कोई भी आर्म्ड कन्फ्रंटेशन जो है एशियन मेंबर्स के बीच में वो नहीं हुआ, मतलब किसी भी वजह से, मतलब फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल डायलॉग या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिस ईयर, मतलब सब कुछ स्मूथली जो रहा इसमें। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ एशियन जो है वो मतलब अपना सर झुकाते हैं इस पीसफुल प्रोसेस में, ठीक है, और देन उसके बाद मतलब जितने भी सॉरी मतलब इन द सेटलमेंट ऑफ इंट्रा रीजनल डिस्प्यूट्स, मतलब अपने रीजनल जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुली ढंग से, पीसफुली प्रोसेस से उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। एंड दे ऑलवेज लुक टू देयर सिक्योरिटी एज असेंशियल लिंक टू वन अनदर, मतलब उनको ये लगता है कि मतलब हमारी जो सिक्योरिटी है वो हर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, एंड दैट्स वाई मतलब उनका एक कॉमन एक विजन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, सो दैट कि किसी को कोई हार्म ना हो और सभी जो हैं एक साथ मिलके एक प्रोग्रेस की तरफ मूव करें। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट एशियान, एंड आई होप कि मैंने जो भी पढ़ाया वो समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, थैंक यू सो मच, बाय।